टीवी सीरियल शादी मुबारक में आप देखेंगे कि प्रीति ने जिस तरीके से बात छुपाई है केटी से कि आखिर उसने गला खराब होने का नाटक सारा ड्रामा क्यों किया। इस बात को सोच सोच कर केटी के दिल में प्रीति के लिए अब नफरत पैदा होती जा रही है। आज की रात के एपिसोड में आप यही देखेंगे कि प्रीति ऑफिस में बिजी होती है, जहाँ पर केटी आता है और उसे देखता ही रह जाता है। खुले बालों में प्रीति बेइंतहा खूबसूरत केटी को लगती है और अट्रैक्ट भी करती है, लेकिन जैसे ही केटी को वो सारी बातें फ्लैशबैक में आती हैं कि कैसे आइसक्रीम खाकर गला खराब होने का बहाना करके मीटिंग में केटी के साथ जाने से प्रीति ने कर दिया था इनकार, इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वहां से चला जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रियंका को जो अंगूठी दी थी तरुण ने, और प्रियंका ने घर आकर झूठ बोला था कि अंगूठी उसके फियांसे ने दी है, इस बात का सारा सच आ जाएगा जूही के सामने। वो अपने घर पर ज्वेलरी शॉप वाले को बुला करके इस बात का कॉन्फर्मेशन कर लेगी कि आखिर ये अंगूठी किसने खरीदी है। वहाँ पर ज्वेलर आकर के ये बताएगा जूही को कि उसके भाई तरुण ने उसकी दुकान से ये अंगूठी अपने नाम से ही खरीदी थी और ये काफ़ी अच्छी खासी महंगी भी है। जैसे ही जूही को ये पता चलेगा कि तरुण और प्रियंका की अभी भी बात हो रही है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एक तरफ तो तरुण हमेशा से ही प्रियंका का नाम लेते ही इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और उससे घिन मानता है, दूसरी तरफ प्रियंका के दिल में अभी भी तरुण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, वो भी ऐसे में जब प्रियंका का रिश्ता कहीं और होने वाला है। वो समझ नहीं पाती और वो डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में प्रियंका से खुद बात करेगी। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और वो उससे ये बात छुपा जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि केटी बहुत ही ज़्यादा सरदर्द से तड़प रहा होगा अपने केबिन में। वो अपने सर्वेंट को आवाज़ लगाएगा ताकि वो आकर के उसका सर दबा दे या बाम लगा दे, लेकिन सर्वेंट की जगह यहाँ केटी के केबिन में पहुँच जाएगी प्रीति और उसे पॉइंट्स दबा करके सरदर्द ठीक करने की बात कहेगी। प्रीति की शक्ल देखकर उसे केटी को फिर से वो सारी बातें याद आती हैं कि कैसे पहले उसने अपनी साड़ी पर इंक गिराकर के बहाना बनाया और उसके बाद आइसक्रीम खाकर गला खराब होने का। ये सारी बात सोचकर केटी प्रीति को डांट कर उसकी इंसल्ट करके अपने केबिन से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे प्रीति भी यहाँ केटी से दूर जाने के लिए साफ साफ मना कर देगी और कहेगी कि हमने कसम खाई थी हम पार्टनर्स हैं, जो कुछ खाएंगे या फिर जो कुछ हमें खाएगा वो एक दूसरे के साथ ज़रूर बांटेंगे। जैसे ही केटी कुछ बोलने वाला ही होता है तभी केटी की मॉम का कॉल आ जाता है केटी के पास, और यहाँ प्रीति भी कुछ डिस्कस करने शीना के साथ बाहर चली जाती है। यहाँ केटी की माँ प्रीति के साथ पार्टनरशिप तोड़ने की बात केटी के सामने रखती है और कहती है कि तू बहुत भोला है बेटा, जो हमेशा तुझे हर्ट करते हैं उनसे तू आखिर क्यों कुछ कह नहीं पाता, ऐसे ही करता रहा तो तेरा दिल ये तोड़कर चले जाएंगे और इन्हें फ़र्क तक नहीं पड़ेगा। अपनी माँ की बात केटी को सही लगती है और वो प्रीति की तरफ देखता है और कहता है कि माँ तू जल्द से जल्द लॉयर से पेपर बनवा और मुझे ये पार्टनरशिप खत्म करनी है। जैसे ही केटी पार्टनरशिप खत्म करने की बात करता है उसे सारे फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे उसने और प्रीति ने कंपनी स्टार्ट की थी, कैसे शादी मुबारक नाम रखा था कंपनी का और कैसे एक दूसरे के साथ साथ देने का वादा भी किया था, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख कर उसने ये कर लिया है फैसला कि अब वो प्रीति के साथ पार्टनरशिप तोड़ेगा और बल्कि अपनी कंपनी को भी ख़त्म कर देगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जूही जैसे जैसे अपनी सास को बताने ही वाली होती है कि आखिर हुआ क्या है, प्रियंका के साथ उसकी क्या बातचीत चल रही होती है, तभी प्रियंका पीछे से जूही को रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ माँ को कुछ मत बताओ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। घर की लड़ाई बचाने के लिए, कुसुम और प्रियंका का रिश्ता बचाने के लिए यहाँ पर जूही झूठ बोल देती है और चुप रह जाती है, जिससे कुसुम को लगता है कि जूही ने उससे कोई बड़ी बात छुपाई है और अब उसने चोरे छुपे ज्वेलर को बुला करके उसकी ट्रस्ट को तोड़ा है और वो उससे नाराज़ हो जाती है। जैसे ही प्रीति सोचती है कि आखिर केटी सर क्यों गुस्सा है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए, वो कॉल करती है कुसुम जी के पास जो फ़ोन पिक नहीं करती। दूसरी तरफ वो जूही को कॉल करेगी और उसकी आवाज़ सुनकर वो समझ जाएगी कि घर में ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई है, लेकिन वो अपनी परेशानी जूही से नहीं शेयर करेगी। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब
केटी जाएंगे कुसुम जी से मिलने, वो भी प्रीति जी को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। उसके बाद जैसे ही प्रीति को ये पता चलेगा कि अब उसके 25 दिन के चैलेंज पूरे होने से पहले ही उसकी पार्टनरशिप हो चुकी है ख़राब, ऐसे में क्या करेगी बेचारी प्रीति और कैसे वो पता लगाएगी कि आखिर केटी को कौन सी बात लगी है बुरी, ये देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। We'll be right back.